औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 21, सेल साइकिल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए हम इसको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट विद द सेल साइकिल। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि सेल साइकिल है क्या। द सेल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉलोड बाय द सेल डिवीजन। दिस सीक्वेंस ऑफ चेंज इज कॉल्ड सेल साइकिल। इस चीज को मैं आपके सामने, एक ये डायग्राम है, इससे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट, एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड होना है। डिवाइड होने से पहले ये एक फेज, जिसे हम कहते हैं इंटरफेज, उसमें से गुजरेगा। देखिए, ये मैंने आपके सामने, ये आपको एक फेज नजर आ रही है। देखिए, ये सेल जिसने डिवाइड करना है, ये डिवाइड होने से पहले इंटरफेज में से गुजरेगा। आप देखिए इसको, आपको सिंगल, ये वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। तो पहले इसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन की, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए, पहले एक ही कॉपी थी, एक ही मटेरियल था इसके पास। अब इसने दो दो कॉपीज, यानी कि एक इसने ओरिजिनल कॉपी है, एक इसने डुप्लीकेट कॉपी बना ली। तो जब तक, ये देखिए, ये भी एक क्रोमोसोम था, इसने अपने साथ एक और जो ने बिल्कुल इसी तरह की कॉपी बना ली। अब ये इसकी जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन हो गई। अब ये सेल जो है, इस काबिल है कि ये माइटोसिस में से गुजरे और ये एक से दो सेल में डिवाइड हो जाए। तो देखिए, ये सारी स्टेज जिसमें सेल पहले इंटरफेज में से गुजरा, इंटरफेज में से गुजरने के बाद ये माइटोसिस में से गुजरा, और माइटोसिस से गुजरने के बाद इसने एक से दो सेल बना दिए। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। इसकी मैंने समझाने के लिए आपके सामने एक और एग्जांपल है थी आपके सामने। ये एक सेल है, इसके अंदर माइटोसिस हुई। देखिए, ये वन टू थ्री फोर, लास्ट में मैंने आपको बताया था, अगर हमने किसी सेल में क्रोमोसोम्स को काउंट करना है तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर, ये फोर क्रोमोसोम्स है। ये माइटोसिस से गुजरने के बाद देखें, ये आपको इसके टू टू क्रोमेटिड्स भी नजर आ रहे हैं। ये क्रोमेटिड सेपरेट हो गए। जब क्रोमेटिड सेपरेट हो गए तो ये एक सेल दो में डिवाइड हो गया, डॉटर सेल। अगर पेरेंट सेल देखें तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद वन टू थ्री फोर, डॉटर सेल में भी वन टू थ्री फोर, फोर थ्रेड, वन टू थ्री फोर, फोर फोर थ्रेड, वन टू थ्री फोर थ्रेड। अब ये वाले सेल जब ये डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये पहले इंटरफेज में से पास करेगा। जब ये इंटरफेज में से पास करेगा तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेशन करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लीकेशन करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा, तब ये इसको अवेल होगा कि ये माइटोसिस में से पास कर सके। तो हम सेल साइकिल, हमने इसको डिफाइन किया कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसमें चेंजेस आती है, कैसे, उसका डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए की कॉपी बनी, उसके बाद सेल डिवाइड हुआ। देखिए, ये आपके सामने एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल वो अभी डिवाइड नहीं हो रहा, या अभी वो इस प्रोसेस से, इस कंडीशन में नहीं है कि उसके पास इतना ज्यादा कोई मटीरियल हो कि वो डिवाइड हो सके। तो ये जी ओ फेज या जी नॉट फेज भी हम इसे कहते हैं, इसमें चला गया जी फॉर गैप कि अभी सेल डिवाइड नहीं हो रहा। जब ये सेल डिवाइड होने जा रहा है तो पहले ये इंटरफेज में से गुजरेगा। इंटरफेज के डिफरेंट फेजेस हैं, जिसको हम कहते हैं जी वन फेज, एस फेज, जी टू फेज। अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो सेल साइकिल है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। इसको हम रफली, मिसलीडिंगली हम इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, कि इस दौरान सेल डिवाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन इसमें इंटरनल चेंजेस आ रही हैं। हाई मेटाबॉलिक जो है ना फेज है ये,
जिसमें खास तौर पर इसके न्यू जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस हो रही होती है। ये अपना ये देखिए न्यू जेनेटिक मटेरियल सिंथेसिस कर रहा होता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप है इंटरफेज का। इसके बाद ये माइटोटिक फेज में से गुजरता है, यानी कि प्रोफेज, बेटा फेज, एनाफेज और टेलोफेज से गुजर के एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज, द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द सेल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन के बीच में जो गैप आता है। देखिए ये एक सेल फॉर एग्जाम्पल माइटोसिस से दो सेल में डिवाइड कर गया। अब डिवाइड करने के बाद अब जब दोबारा ये डिवाइड करके डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर होके यहां तक पहुंचेगा तो इन तमाम स्टेप्स को हम कहते हैं इंटरफेज। तो सेल डिवाइड होने से पहले किसमें से गुजरेगा, इंटरफेज में से गुजरेगा, जिसको हम रफली रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब जो इंटरफेज है, पीरियड ऑफ ग्रेट मेटाबॉलिक बायोकेमिकल एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस, G1 फेज, G2 फेज, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल GO फेज जब डिवाइड नहीं करना होता, उसके बाद S फेज से फिर सेल गुजरता है। ये स्टेजेस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, मैं आपके सामने ये स्टेजेस जो है ना वो दिखाने जा रहा हूं। कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि G1 फेज, G फॉर कैप, पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल नॉर्मली ग्रो इन साइज। मैंने कहा कि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज, यानी कि क्योंकि सेल का अब जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस होनी है तो उसके लिए एंजाइम तो जरूरी है। अक्यूमुलेशन ऑफ द डीएनए बेसिस, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड्स का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, इसको हम कहते हैं G1 फेज। देखें ये आपके सामने G1 फेज, सेल डिवाइड होने के बाद ये डिवाइड हो गया। अब ये सेल फिर डिवाइड होना चाहता है, लेकिन डिवाइड होने से पहले ये सेल G1 फेज में से गुजरेगा। बाद गत सेल के पास अभी सफिशियंट मटेरियल नहीं है कि ये डिवाइड हो सके, तो ये GO फेज यानी कि क्वेश्चंस फेज में चला गया, यानी डोरमेंट फेज में चला गया, यानी इनएक्टिव फेज में चला गया। ये थोड़ी देर के लिए भी रह सकता है इस फेज में, या कई महीनों तक, या कि लाइफ टाइम भी इस कंडीशन में GO फेज में रह सकता है, डोरमेंट फेज में रह सकता है। तो G1 फेज में सेल ने ग्रो किया, सेल ने सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा किया, क्योंकि G1 फेज से निकल के सेल ने S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज में जाना है, जिसमें ये अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन करेगा, राइट। तो G1 फेज के बाद GO फेज, यानी कि अगर पोस्ट माइटोटिक आफ्टर यानी कि माइटोसिस के बाद ये फेज है कि सेल, ये G1 फेज से पहले की फेज है कि सेल डिवाइड नहीं होना चाह रहा, यानी कि सेल के एक के पास वो इंस्ट्रक्शन नहीं है या इसके पास वो मटेरियल नहीं है कि ये नेक्स्ट फेज में जाए यानी डिवाइड हो, तो ये GO फेज में चला गया, यानी गैप ओ फेज, यानी कि सेल इंटरफेज में से पास नहीं करना चाह रहा, इंटरफेज में से पास नहीं कर रहा। ये इस फेज में डेज, वीक्स और या होल लाइफ भी रह सकता है, जैसे नर्व सेल, सेल्स ऑफ द आई लेंथ एंड हार्ट मसल सेल्स, ये GO फेज में रहते हैं लाइफ टाइम। सेकेंड फेज है GO फेज के बाद, यानी सेल जब अगली फेज में जाएगा वो सिंथेसिस फेज है। इसमें डीएनए सिंथेसिस करेगा, ये क्रोमोसोम नंबर विल बी डबल। यहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल की बजाय हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग होगी इसकी। क्रोमोसोम डबल तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की, न्यू डीएनए की जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस हुई। प्रिपेयर द सेल फॉर द डिवीजन, इसमें एनर्जी स्टोरेज फॉर द क्रोमोसोमल मूवमेंट, माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन, आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल, सबकी सिंथेसिस हो रही है। तो ये देखिए सिंथेसिस फेज आपके सामने, ये वाली फेज कि सेल ने अपना, देखो क्रोमोसोम अगर इस सेल में 1 और 2 है तो क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, क्रोमोसोम 1 और 2 ही है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमेटिड्स बन गए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग हो गई, इसमें डीएनए की डबलिंग हो गई, तो इसको हम कहते हैं एस फेज या सिंथेसिस फेज। इसको हम ये नहीं कह सकते कि क्रोमोसोम डबल हो गए, जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग हो गई, राइट। अब डबलिंग होने के बाद सेल इस फेज में जा रहा है कि नेक्स्ट ये डिवीजन वाली फेज में जा सके। सिंथेसिस हो गई, जेनेटिक मटेरियल का इसने डबल कर लिया, अब है G2 फेज, ग्रोथ एंड प्रेपरेशन ऑफ द माइटोसिस। सेल अब अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है।
दिस इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ द सेल साइकिल एज सम सेल टाइप डायरेक्टली अंडर माइटोसिस, यानी कि जो कुछ होना था सेंसेस फेज में हो गया, अब सेल जो है प्रॉपर डिवीजन वाली फेज में चला गया और सेल इसमें क्या होगा कि सेल डिवाइड हो जाएगा। देखिए आपके सामने चेक पॉइंट्स भी हैं सेल जी1 फेज, यहां से ये जी नॉट फेज में या जीओ फेज में चला गया, क्वेश्चन फेज, सेल लीव द साइकिल। उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन फेज है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है कि सेल नहीं जा रहा, डीएनए सेंसिस हो गई। ये देखो यहां पे भी मैंने डीएनए सेंसिस वर्ड यूज कर रहा हूं, ये भी चेक पॉइंट है, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट। यहां पे भी चेक पॉइंट है कि सेल यहां पे थोड़ी देर के लिए स्टे कर सकता है नेक्स्ट फेज में जाने से पहले। तो ये था आपके सामने सेल। अब सेल माइटोसिस में जाएगा, जी टू फेज से निकल के माइटोसिस में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कि सेल जो है ना वो इस फेज में कैसे जाएगा। तो जी वन फेज, जी ओ फेज, एस फेज, जी टू फेज, इसमें चेक पॉइंट्स भी है। अ चेक पॉइंट इज वन ऑफ द सेवरल पॉइंट इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल एट विच द प्रोग्रेशन ऑफ अ सेल टू द नेक्स्ट स्टेज और साइकिल कैन बी स्टॉप्ड अंटिल कंडीशन आर फेवरेबल, यानी कि ये वो चेक पॉइंट है जब तक सेल अगली फेज के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता, सेल नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकता। These checkpoints occur near the end of the G1, at the G2 and during the metaphase, यानी कि माइटोसिस में। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट माइटोसिस में देखे, पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये G2 फेज में नजर आ रहा है चेक पॉइंट, और जहां पे हमें डीएनए सेंसिस फेज में चेक पॉइंट नजर आ रहा है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ह्यूमन में 24 आवर का होता है, माइटोसिस 30 मिनट, G1 9 मिनट, सॉरी 9 आवर क्योंकि 24 आवर है, ये 30 मिनट्स में है, ये आवर्स में है, एस फेज 10 आवर्स और G2 फेज 4.5 आवर एमसीक्यूज के लिए। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यीस्ट का साइकिल दिया जो कि 90 मिनट में कंप्लीट होता है। देखें ये G1 फेज, इसमें क्या हुआ कि सेल जीओ फेज में भी जा सकता है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है, सपोरुलेशन भी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे क्या हुआ स्पिंडल स्पिंडल पोल्स डुप्लीकेशन बड इमरजेंस डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। अब इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर माइग्रेशन हुई, न्यूक्लियस एक से दो में डिवाइड हो गया, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन हो गई। अब क्या हुआ कि बड कंप्लीट तकरीबन बन गया है और एक न्यूक्लियस इधर माइग्रेट कर गया और फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर गया, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड किया। तो ये सारा का सारा प्रोसेस 90 मिनट में कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।